नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांशु गुरनानी, मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। मैं ENT वह कान ना गले के कैंसर देखता हूँ। आज हम लोग एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना या कोविड पैंडेमिक। सारी दुनिया इस चीज़ से ग्रस्त है। हमें पता है कि लगभग इस टाइम पर सारी दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा मरीज कोरोना से ग्रस्त हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा मौतें इस बीमारी की वजह से हो चुकी हैं। हम लोग कोरोना के बारे में आज बात करना चाहते हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि कोरोना किस तरीके की बीमारी है, हम लोगों को इस चीज़ से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा इस बीमारी के साथ। क्यों मानते हैं हम लोग कि कोरोना इतनी ख़तरनाक बीमारी है, जबकि हम जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ जैसे कि कैंसर है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि लिवर की दिक्कतें हैं, जैसे कि लंग्स की दिक्कतें हैं। कोरोना की जो दिक्कतें हैं उनको इतना डेंजरस इसीलिए माना जाता है, उसके कुछ 3-4 कारण हैं। पहला कारण ये है कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 5 से लेकर 14 दिन तक है। इसका मतलब है कि किसी मरीज़ को अगर कोरोना की बीमारी का इन्फेक्शन हुआ है तो जब तक वो सिम्टम्स दिखाएगा या जब तक उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएंगी और उस टाइम से लेकर जब से मरीज़ इन्फेक्ट हुआ है लगभग 5 से लेकर 14 दिन का टाइम लग सकता है। इसका मतलब मरीज़ 14 दिन पहले से ही बीमारी और लोगों को देने लग जाएगा और उस बीमारी के बारे में पता उनके रिलेटिव्स को या उनके डॉक्टर्स को 14 दिन बाद पता चलेगा। तो ये जो 2 हफ्ते का ड्यूरेशन है ये बहुत ही क्रूशल है, क्रिटिकल है। दूसरी चीज़, जो कोरोना का वायरस है वो इनएमिनेट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे सर्फेसेज हो गए, किचन स्लैब्स हो गए, लकड़ी के दरवाजे हो गए, इन पर 12 से लेकर 24 घंटे तक रह सकता है। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च चल रही हैं, लेकिन एक एवरेज माने तो 12 घंटे के आसपास का जो ड्यूरेशन है, इसका मतलब अगर आपने कोई दरवाज़ा खोला है और आपको कोरोना है तो हो सकता है अगले 12 घंटे में उसी दरवाजे को 20 से लेकर 25 आप ही के फैमिली मेम्बर्स खोलें। आप सिर्फ उस दरवाजे से पूरी फैमिली को कोरोना का इन्फेक्शन दे सकते हैं। कोरोना का इन्फेक्शन सीधा लंग्स को अफेक्ट करता है, इस वजह से इसका जो पेशेंट है वो क्रिटिकली इल बहुत जल्दी होता है। और कोरोना के इन्फेक्शन की सबसे ख़राब बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है उन लोगों को जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि जो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पुरानी कोई बीमारी है, जिनको किसी और तरीके का इन्फेक्शन है, जिनकी कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी चल रही है। कोरोना जितना यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है उतना ही एल्डरली को भी अफेक्ट करती है, लेकिन जो एल्डरली पेशेंट्स हैं यानी कि 65 साल से ऊपर वाले मरीज़ हैं उनमें इसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। इसकी वजह से इसकी जो मोर्टैलिटी है वो एल्डरली पॉपुलेशन में ज़्यादा है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोरोना का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि HCQS नाम की एक दवाई यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसके कुछ एक स्टडीज़ ने दिखाए हैं रिजल्ट्स, लेकिन वो हम लोगों ने अभी रिजर्व रखी हुई है, क्योंकि जो हमारी स्टडीज़ हैं उनसे ये पता चलता है कि अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड को HCQS की दवाई सबको देंगे तो इसके जितने साइड इफ़ेक्ट से मरीज़ निकलेंगे वो कोरोना के मरीज़ों से कहीं ज़्यादा होंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसके रिस्क बेनिफिट देखते हुए सब लोगों को हम लोग ये जो दवाई है ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आगे ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है कोरोना का? कोरोना के ट्रीटमेंट में जो गाइडलाइंस आपको ICMR की आपने सुनी होंगी या WHO की सुनी होंगी या CDC की सुनी होंगी, वही गाइडलाइंस हैं जिन लोगों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग होती है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बीमारी को ख़त्म कर देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग करके हम लोग जो नंबर ऑफ़ केसेस है उनको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ ये एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि अगर एक साथ एक ही शहर में 1 लाख लोग कोरोना से ग्रस्त हो जाएंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में उन्हें रखने की जगह रहेगी नहीं। लेकिन अगर यही 1 लाख मरीज़ एक महीने में स्प्रेड होकर रोज़ 3 से लेकर 5 हज़ार मरीज़ आते हैं तो हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज़ उन पेशेंट्स का ध्यान भी रख पाएगी और उन पेशेंट्स को सही ढंग से ट्रीट भी कर पाएगी और एक साइकिल चलती जाएगी जिसमें पहले वाला मरीज़ ठीक होकर जब तक डिस्चार्ज हो जाएगा, हो सकता है तब दूसरा वाला मरीज़ आ पाए। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, लगभग 6 फुट की दूरी बनाए रखनी चाहिए, हो सके तो हमेशा मास्क पहने रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। इसका मतलब जब आप छींकेंगे या फिर आप बोलेंगे, जो हमारे मुंह से थूक के छोटे छोटे कण निकलते हैं वो कण बाकी लोगों में कोरोना फैला सकते हैं। जब आप मास्क पहनेंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ कम हो जाती है कि आप ये इन्फेक्शन और लोगों को फैलाएंगे, इसीलिए हमेशा मास्क पहनने की हिदायत देनी चाहिए।
तीसरी चीज़ जो कोरोना में ज़रूरी है वो ये कि आपको रेगुलर हैंड वॉश करने चाहिए। जो स्टडीज़ हैं वो ये दिखाती हैं कि अगर आप 20 सेकंड तक कंटिन्यूस चलते पानी से साबुन के साथ हैंड वॉश करते हैं तो वो कोरोना की बीमारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे केस में हम लोग उस बीमारी उस इन्फेक्शन को घर में नहीं लाएंगे। तो जब भी आप बाहर किसी भी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, कोशिश करनी है अपन बाहर नहीं जाएं, लेकिन अगर मान लीजिए आप एसेंशियल सर्विसेज के साथ में हैं या फिर आपको घर के सामान के लिए बाहर जाना है, तो जैसे ही आप घर से अंदर आते हैं अपने कपड़े बदलने हैं, साफ़ कपड़े पहनने हैं, तुरंत हाथ धोने हैं और ऐसी कोई भी चीज़ जो आप बाहर से लेके आए हैं उसको सैनिटाइज़ करना है। कोरोना के इलाज में एक चीज़ और भी है जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, उस चीज़ का नाम है हम लोगों को हमारे एल्डरली यानी कि जिन लोगों की उम्र 65 से ज़्यादा है उन लोगों को यंग पॉपुलेशन से अलग करना ज़रूरी है। अगर एक ही घर में हम लोग 5 मेंबर्स हैं और उनमें से एक या दो मेंबर हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो वो लोग हमेशा क्रूशियल रहेंगे। ये बीमारी अगर यंग पॉपुलेशन में होती है तो उनमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और यंग पॉपुलेशन लगभग 8 से लेकर 14 दिन में अपने आप ही इस बीमारी के प्रति एंटीबॉडीज़ बना लेती है और वो लोग ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन सेम बीमारी अगर किसी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को है, किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को है या फिर किसी कीमोथेरेपी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मरीज़ को है, उन केसेस में बीमारी के जो लक्षण हैं बहुत ज़्यादा रूप से दिखते हैं और पेशेंट तुरंत लंग के फेलियर में या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है जिसकी वजह से मरीज़ को ICU या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे हमारे दोस्त रिलेटिव्स पेशेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब फ्यूचर क्या, कोरोना के बाद आगे क्या, क्या कोई इलाज बनने वाला है, क्या कोई दवाई आने वाली है, क्या कोई वैक्सीन्स आने वाली है। आप सबको मैं अश्योर करना चाहता हूँ कि वैक्सीन्स के लिए रिसर्च चल रही है, दवाइयों के लिए रिसर्च चल रही है, लेकिन किसी भी वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए कम से कम 18 से लेकर 24 महीने लग सकते हैं। ये जो 1.5 से लेकर 2 साल का टाइम है, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप ये मान के चलें कि हम सबको घरों में बंद रहना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ़ केसेस कम होंगे, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लग जाएंगे, लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी है जो हमको बहुत सारे लेसन्स देके जा रही है। ये लेसन्स के साथ में हम लोगों को हमारे आने वाली लाइफ टाइम निकालनी है और यही लेसन्स हम लोगों को हमारी आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन करने हैं। इन लेसन्स में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी, भीड़ भड़के वाले एरिया से दूर रहना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि जब भी हम लोग और लोगों से मिल रहे हैं तो उनके बहुत ज़्यादा करीब ना जाएं। कोशिश करें कि जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क पहनें। मास्क ऐसी चीज़ है जो हमारे ट्रैवलिंग बैग में, जो हमारे ऑफिस बैग में एक परमानेंट चीज़ बनी रहेगी। हमें हमेशा हैंड सैनिटाइज़र्स करने ही पड़ेंगे। ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये वो आदतें हैं जो हमें ग्रेजुअली टाइम के साथ अडेप्ट करनी पड़ेंगी और इन आदतों के साथ ही हमें जीना पड़ेगा जब तक इस चीज़ का कोई क्लियर कट इलाज नहीं आ जाता। अगर मान लीजिए कोरोना का इलाज भी आ जाता है, फिर भी एक चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है, जिस चीज़ के लिए जो लेसन हम लोगों को आज मिल रहा है कि गवर्नमेंट को और हमारे बाकी सब लोगों को भी एक चीज़ का लेसन ले लेना चाहिए कि हम लोगों को हमारी मेडिकल जो ऑक्यूपेशन है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आज हम सब ये मान के चल रहे हैं कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल पैरामेडिकल जितने भी लोग हैं बहुत ही मुश्किलों से काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शन है कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पर ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको ये पता है कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है इस चीज़ के लिए अंडर प्रिपेयर्ड है। कोरोना या कोरोना के बाद भी अगर कोई पैंडेमिक आता है, ये एक हम लोगों के लिए लेसन है कि हम लोगों को आगे हमारी मेडिकल जो भी सर्विसेज हैं उनको इतना इक्विप कर देना है कि आगे कोरोना हम लोगों को और परेशान या कोरोना जैसी कोई और बीमारी हम लोगों को इतना परेशान ना करें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मेरी आप सबको यही सलाह है कि जितना हो सके आप घर पर रहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहिए, नई नई हॉबीज़ ढूंढिए ताकि आप घर पर बोर ना हो, ताकि आपको बाहर जाने की इच्छा ना हो। हैंड वॉशिंग रेगुलर कर लिए, कोशिश करेंगे कि अपने घर के अंदर और आसपास जितनी सफाई रख सकें करेंगे। अपने जो जान पहचान वाले मेडिकल हैं, मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो लोग इस मुश्किल टाइम में भी आपकी सेवा में जुटे हुए हैं, उन लोगों को एक धन्यवाद अदा करिए। आपके घर वालों को एक मोटिवेशन देते रहिए हमेशा कि वो लोग घर में रहें, बच्चों का ध्यान रखिए, स्पेशली जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनका ध्यान रखिए। घर में बने रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।